इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। निसिंग में प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक के बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी जिंदा को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर माह में निसिंग में, करनाल के निसिंग में एक प्लाईवुड व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसमें तीन आरोपी थे। दो गिरफ्तार कर लिए गए थे, गला घोट कर नहर में गिर दिया गया था। मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है जिंदा, जो इसके ऊपर पहले भी दर्जनों मामले चल रहे हैं, उसको हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। और हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सीआईए वन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है निसिंग में दिसंबर माह में प्लाईवुड व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, फिरौती मांगी गई थी, जिसमें दो आरोपी तो पहले गिरफ्तार हो गए थे। मुख्य आरोपी जिंदा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल पुलिस की एसपी ऑफिस कार्यालय की देख सकते हैं, जहां पर करनाल पुलिस के जो एसपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा को लगी है। प्लाईवुड व्यापारी के बेटे की हत्या की गई थी अपहरण के बाद, और अब करनाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल पुलिस के सीआईए वन कार्यालय की एसपी ऑफिस से देख रहे हैं। सीआईए वन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। लगातार हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, राजेंद्र उर्फ जिंदा, जिसके ऊपर कई मामले चल रहे थे, आज करनाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल पुलिस के एसपी ऑफिस कार्यालय की। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी। हम आपको बताना चाहेंगे कि निसिंग में प्लाईवुड व्यापारी के बेटे का अपहरण कर दिया गया था, अपहरण के बाद किस तरह से फिरौती मांगी गई थी। दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। राजेंद्र उज्जिंदा जो मुख्य आरोपी है, उसको भी जो है करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। अवैध हथियार भी उसके पास से बरामद किया गया है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया इसी बात को लेकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक मिसिंग में जो प्लाईवुड व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया था, उसके बाद हत्या की गई थी, दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और मुख्य आरोपी सीआईए वन पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 2019 को काफ़ी एक दुखद घटना हुई थी। एक काफ़ी यंग लड़का जो मिसिंग का रहने वाला था, विशु उसका नाम था, उसे किडनैप करके फिरौती लेके और उसकी हत्या कर दी गई थी, जो पंजाब से उसकी बॉडी रिकवर हुई थी। तो काफ़ी एक दुखद घटना थी और तभी से इसकी गंभीरता को देखते हुए सीआईए वन की टीम को जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। बहुत मेहनत करके विद इन 3-4 डेज इस केस को वर्कआउट किया गया था और एक जो है व्यक्ति इसमें अमन उर्फ बाबा, उसे अरेस्ट किया गया था, जिससे सारी गुत्थी आगे इस केस की खुली थी। इसी केस में जो है एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जिसका नाम जो है राजेंद्र उर्फ जिंदा, ये करनाल पुलिस के मोस्ट वांटेड था। इसके ऊपर रिवॉर्ड भी जो है घोषित कर रखा था। इस केस का मुख्य एक्यूज था और एक इसका साथी बिंदर, ये दो इस केस में वांटेड थे। तो कल सीआईए वन की टीम को जो है इंस्पेक्टर दीपेंद्र की जो टीम है उनको बड़ी अच्छी कामयाबी मिली और कल शाम को 5 बजे चिका जो डिस्ट्रिक्ट कैथल से इसे गिरफ्तार किया गया है और इससे एक 315 बोर का जो है देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस इससे बरामद किए गए हैं। इसकी अरेस्ट डाल के आज इसको पेश करके और आइंदा रिमांड पर लेके पूछताछ की। पहले भी काफ़ी मामले दर्ज थे इस पर, तो 25 के आसपास मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और जिसमें जो है हत्या, लूट, डकैती, चोरी, स्नैचिंग, ये सब वारदातें इसके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। और अभी 12 केसेस में ये वांटेड था, कुछ केसेस में पहले अरेस्ट हो गया था। 12 केसेस हरियाणा में ही है, दूसरे राज्यों की पुलिस को भी तलाश थी? ये हरियाणा में ही था मोस्टली, इसके केसेस करनाल के, कुरुक्षेत्र के और कैथल, इन 3 जिलों में जो है काफ़ी एक्टिव। कितने का इनाम लिया अभी? 5,000 रुपये इस पर जो है रिवॉर्ड घोषित कर रखा था मोस्ट वांटेड की लिस्ट में। क्या कार्रवाई की जाएगी सर?
अब इसे जो है कल अरेस्ट किया है, इसे प्रिलिमिनरी पूछताछ की है, इसने सारी वारदात जो उसके बारे में डिटेल से बताया है। अब आइंदा पुलिस रिमांड लेके जो कैश की रिकवरी है जो इसके हिस्से में आए थे वो भी रिकवर किए जाएंगे। और एक और अच्छी बात है कि जो इसका दूसरा साथी था वो भी कल कोर्ट में सरेंडर कर गया, उसे भी प्रोडक्शन वारंट पे लेके उससे भी पूछताछ। बिंदर जिसका नाम था, बिंदर, ये दोनों गोंदर गांव जो मिसिंग है वहाँ के रहने वाले। क्या क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 2019 को थाना लिसिंग क्षेत्र में एक काफ़ी दुखद घटना हुई थी। एक यंग लड़का जिसका नाम विशु था, जिसका प्लाईवुड का व्यापारी थे, उसको किडनैप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए CIA 1 को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी, जो काफ़ी मेहनत करके नेशनली उन्होंने विद इन 3-4 डेज इस केस को ट्रेस कर लिया था। और एक व्यक्ति अमन उर्फ बाबा जो कि लिसिंग का रहने वाला, उसे अरेस्ट किया गया था। उसकी पूछताछ में बाकी जो है नामों का खुलासा हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी राजेंद्र उर्फ जिंदा, ये गोंदर गांव का रहने वाला है, इसका नाम आया था। काफ़ी केसेस में ये ऑलरेडी वांटेड था, 25 के आसपास मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और 12 केसेस जिसमें कि लूट, हत्या और स्नैचिंग और चोरी, इन सब वारदातों में ये संलिप्त था। और ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में करनाल पुलिस की जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट है उसमें इसका नाम था और 5,000 रुपये इसमें रिवॉर्ड भी था। तो कल CIA 1 की टीम ने इसे चीका डिस्ट्रिक्ट कैथल से गिरफ्तार किया है शाम को 5 बजे। अब इसको कोर्ट में पेश करके और आइंदा पुलिस रिमांड लेके इससे रिकवरी की जाएगी, जो अमाउंट इन्होंने उस टाइम फिरौती की जो रकम ली थी। और जो वेपन यूज़ किया था 315 बोर का जो वेपन है और साथ में जो लाइव कार्ट्रिज हैं वो इसे रिकवर कर लिए गए हैं। सर कितने की फिरौती मांगी थी और कितने उस टाइम इन्होंने जो है जो बातचीत हुई थी तो 2.5 लाख में इनका सेटल हुआ था और 2.5 लाख रुपये घर वालों ने इनको जो है दे दिए थे। लेकिन ये भी बड़ी गलती रही उनकी भी कि उन्होंने काफ़ी लेट पुलिस को बताया, जब अमाउंट दे दिया दोपहर को और रात को करीब 9:30-10 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, तब हमने केस दर्ज करके और इसमें विद इन 3-4 डेज इसे वर्कआउट किया। तो मेरी ये भी अपील है आपके माध्यम से, यदि कोई भी ऐसी घटना हो, 2-3 बार ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने टाइमली पुलिस को बताया है, तो उसमें हम बहुत स्विफ्ट एक्शन करके बच्चे को रिकवर भी कर सकते हैं। एक ये लाइव एग्जांपल है कि सूचना लेट देने से कितना बड़ा नुकसान जो है सहना पड़ सकता है। पहले भी कई फिरौती के मामले सर इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर लूट के मामले हैं, इसने गाड़ियां लूट की थी जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट से, और इसने जो है एक शाहबाद से भी जो है इसने लूट की थी, बाकी चोरी के टोटल 25 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। तो गैंग से कहीं ना कहीं, हाँ इनका पूरे गैंग था, साथ में एक बिंदर लड़का जो मैंने बताया है, वो बिंदर लड़का इसका साथी था, इस किडनैपिंग और मर्डर में भी इन्वॉल्व था, उसने भी कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और अमन बाबा को पहले अरेस्ट कर लिया था, एक लड़का गोविंदा था इनका साथी, उसे भी पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। कितने का नाम बदमाश था इसके ऊपर? अभी तो 5,000 रुपये का रिवॉर्ड जो है घोषित किया, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार था डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो ये आपने तस्वीरें देखी निसिंग में हुए प्लाईवुड व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या के जो मुख्य आरोपी था राजेंद्र उर्फ जिंदा, उसको करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करनाल पुलिस की CIA 1 छक को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, 5,000 रुपये का इनामी बदमाश था, उसका एक अन्य साथी बिंदर बताया जा रहा है जिसने खुद सरेंडर किया था। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। करनाल पुलिस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।